अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और टेलीप्राइम में इनका क्या उपयोग है। इसके पहले वाली तीन वीडियोस में हमने आपको क्रमशः सिंगल लेजर बनाना, मल्टीपल लेजर्स बनाना और लेजर को ऑल्टर और डिलीट करना बताया था। आइए अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने टैली की कुछ वीडियोस में जो बताया उसमें मुख्य है नई कंपनी और लेजर्स बनाना। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का। अकाउंटिंग के प्रोसेस में सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शंस पहचानना होते हैं और उसके बाद उन्हें रिकॉर्ड करना होता है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कुछ आधार चाहिए होते हैं जिनसे ये सिद्ध हो सके कि ट्रांजैक्शन हुआ है। यानी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमें कुछ प्रमाण की जरूरत होती है और ये प्रमाण ही सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हमें व्यवसाय या व्यापार में ट्रांजैक्शन के सबूत के रूप में होती है और इन्हीं के आधार पर टैली में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में ट्रांजैक्शन से संबंधित डिटेल्स होती हैं, जैसे लेन देन की तारीख, उससे जुड़ी पार्टियों, सामान, राशि आदि का विवरण इत्यादि। तो आइए देखते हैं टैली में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। इनमें सबसे पहले है बिल या इनवॉइस। जब कोई व्यापारी किसी खरीददार को उधार माल बेचता है तो वो सेल्स इनवॉइस बनाता है। नमूने के लिए हम आपको एक बिल दिखा रहे हैं। इसमें खरीददार का नाम, पता, जो माल बेचा है उसकी डिटेल्स, उसका अमाउंट और पेमेंट कंडीशन इत्यादि लिखी होती हैं। खरीददार के लिए ये खरीदी का सबूत है और इसके आधार पर वो अपने यहाँ उधार खरीदी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। दूसरा है कैश मेमो या कैश इनवॉइस। जब कोई व्यापारी किसी खरीदार को नकद माल बेचता है तो वो कैश मेमो या कैश इनवॉइस बनाता है। नमूने के लिए हम आपको एक कैश मेमो दिखा रहे हैं। इसमें कई बार खरीदार का नाम और पता होता है और कई बार नहीं। उसके स्थान पर सिर्फ कैश लिखा होता है। साथ ही जो माल बेचा जाता है उसकी पूरी डिटेल, उसका अमाउंट इत्यादि लिखा होता है। खरीदार के लिए ये नकद खरीदी का सबूत है। इसके आधार पर वो अपने यहाँ नकद खरीदी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। तीसरा डॉक्यूमेंट है रिसीट, यानी रसीद। जब कोई खरीदार उधार माल खरीदता है और फिर बाद में उस माल का भुगतान करता है तब भुगतान प्राप्त करने वाला यानी सप्लायर उसे एक रसीद देता है जिसमें रसीद की तारीख, खरीदार की डिटेल्स, अमाउंट और वो पेमेंट किस संदर्भ में प्राप्त हुआ है उसकी डिटेल्स होती हैं। नमूने के लिए हम आपको एक रसीद दिखा रहे हैं। खरीदार के लिए ये रसीद भुगतान किया गया है इसका सबूत है और वो इसके आधार पर अपने यहाँ पेमेंट का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। अगला डॉक्यूमेंट है चेक। जब कोई खरीदार उधार माल खरीदता है और वो उस माल का भुगतान बैंक के चेक द्वारा करता है तो इस चेक की डिटेल्स के आधार पर इस ट्रांजैक्शन को खरीदार और सप्लायर दोनों अपनी पुस्तकों में रिकॉर्ड करते हैं। चेक से जो भी लेन देन होता है वो बैंक के माध्यम से होता है और बैंक स्टेटमेंट में उस चेक का विवरण देखा जा सकता है। नमूने के लिए हम आपको एक चेक दिखा रहे हैं। अगला है क्रेडिट नोट यानी सेल्स रिटर्न। जब कोई खरीदार खरीदा हुआ माल सप्लायर को पूरा या आंशिक रूप से यानी कि कुछ मात्रा में वापस करता है तो सप्लायर उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अपने यहाँ क्रेडिट नोट बनाता है और यही क्रेडिट नोट माल वापस प्राप्त हुआ इसके सबूत के रूप में खरीदार को देता है। इसी तरह कई बार खरीदार माल से संबंधित कोई शिकायत करता है और यदि सप्लायर उन शिकायतों से सहमत होता है तो खरीदार को कुछ छूट प्रदान करता है और इस प्रकार की छूट के लिए भी सप्लायर क्रेडिट नोट बनाकर खरीदार को देता है। क्रेडिट नोट में खरीदार की डिटेल्स के साथ ही माल की डिटेल्स या छूट का कारण
और अमाउंट लिखा जाता है। इसके बाद है डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न। जब कोई खरीदार खरीदा हुआ माल सप्लायर को पूरा या आंशिक रूप से वापस करता है तो खरीदार इस वापसी के ट्रांजैक्शन को अपने यहाँ रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट नोट बनाता है। साथ ही वो जो माल वापस कर रहा है उसके साथ ये डेबिट नोट सप्लायर को भी भेजता है। कई बार खरीदार जब सप्लायर को माल खराब होने की शिकायत करता है और सप्लायर उस नुकसान की भरपाई के लिए कोई अमाउंट निश्चित करता है तो उसके लिए भी खरीदार अपने यहाँ डेबिट नोट बनाता है और सप्लायर को भी भेजता है। डेबिट नोट में सप्लायर की डिटेल्स के साथ माल की डिटेल्स या छूट का कारण और अमाउंट भी लिखा होता है। वास्तव में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एक दूसरे के पूरक हैं। खरीदार के लिए जो डेबिट नोट है वो सप्लायर के लिए क्रेडिट नोट है और इसी तरह यदि किसी कारण से सप्लायर डेबिट नोट इशू करता है तो वो खरीदार के लिए क्रेडिट नोट होता है। जीएसटी लॉ आने के बाद अब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में वो सभी डिटेल्स देना जरूरी है जो आप इनवॉइस में देते हैं। इस वीडियो सीरीज में आगे हम डेबिट नोट व क्रेडिट नोट को अच्छे से समझाएंगे। अगला डॉक्यूमेंट है वाउचर। वाउचर अकाउंटेंट द्वारा बनाया जाता है और उस पर व्यापार या व्यवसाय के स्वामी या जो भी जवाबदार व्यक्ति है उसके साइन करवाए जाते हैं। इससे ये कंफर्म होता है कि साइन करने वाले को वाउचर के पूरे विवरण की जानकारी है। वाउचर में जिसे भुगतान किया गया है उसकी डिटेल्स, किस कारण से भुगतान किया गया है उसकी डिटेल्स और अमाउंट की डिटेल्स होती हैं। तो अभी आपने देखा कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही आपने ये भी जाना कि बगैर सोर्स डॉक्यूमेंट के आप टैली में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैली में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर्स क्या होते हैं और किस वाउचर का उपयोग किस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है।